मीरगंज बरेली सीएससी पर आयोजित हुआ विश्व एड्स दिवस व वृद्ध मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर। गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विश्व एड्स दिवस का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी लखनऊ के निर्देशानुसार आईसीटीसी सेंटर पर विश्व एड्स दिवस का आयोजन कर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। सोसाइटी द्वारा दिए गए स्लोगन HIV संक्रमित लोगों से भेदभाव न करते हुए उन्हें समान अवसर और बराबरी दिया जाना निर्धारित किया गया। सोसाइटी द्वारा दिए गए स्लोगन के क्रम में ICTC काउंसलर अंजलि सेना द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीरगंज पर 2014 में ICTC केंद्र स्थापित किया गया था। 2014 से अब तक कुल 34 एड्स के मरीज चिन्हित किए गए हैं। सभी मरीजों की ART सेंटर से दवा चल रही है एवं पूरी तरह से स्वस्थ है। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार के साथ साथ BPM पुनीत सक्सेना, प्रेमपाल, BCPM, NTEP से श्याम सिंह एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित सुई से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से और संक्रमित गर्भवती महिला से उसके होने वाले बच्चे को, ये चार कारण मेन होते हैं जिसे HIV। वहीं गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वृद्ध मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में CMO ऑफिस बरेली से आई मानसिक स्वास्थ्य की टीम में डॉक्टर आशीष कुमार, मनमोहन एवं खुशुधा ने कुल 212 मानसिक मरीज द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें से 12 मरीज मंदबुद्धि रोगी के ऐसे पाए गए जिनका IQ असेसमेंट किया गया, जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे। शिविर में डॉक्टर साहब सिंह, डॉक्टर रोहन दिवाकर, फार्मासिस्ट विनय भदौरिया, हेमलता, ANM, आशा संगनी एवं आशाएं भी उपस्थित रहीं। सोमवार को।